किसी को मारने पर शरीर खत्म हो जाता है, उस प्रकार से आत्मा कभी खत्म नहीं होने वाली। न जायते न मृजते व कदाचन, न जायते न मृयते, कभी जन्म भी नहीं है ना कभी मृत्यु है ये आत्मा का। इसलिए आप ये मत सोचो कि इनको मारने पे सभी मर जाएंगे और उनकी ये लोग कभी रहने वाला नहीं है। Rather they are going to, their existence is going to continue, उनके अस्तित्व तो वो चालू रहेगा। बल्कि जिस प्रकार से वासांश जीर्णान यथा विहाय, जिस प्रकार से एक व्यक्ति जैसा आज का दिन खत्म होने के बाद कल का दिन जब आता है, हम अपना कल की मतलब आज की कपड़े मतलब पुराने कपड़े उतार के हम नया कपड़ा पहन लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मा जो है जब शरीर बदल मतलब जब वो अगला जीवन में प्रवेश करती है, वो अपना पुराना कपड़े पुराना शरीर को उतार के नया कपड़ा पहन लेती है। बस इसी बात की अंतर है। क्या कपड़ा बदल देने मात्र से क्या व्यक्ति रोएगा? अरे कल को मुझे अपना पुराना कपड़ा छोड़ देना पड़ेगा, क्या भाई कपड़ा छोड़ जा रहे हैं करके रोने की जरूरत नहीं है ना, कपड़ा ही तो बदल रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं धीरस तत्रण मुह्यति, कभी धीर व्यक्ति कभी इस बात को समझकर वो कभी दुखी नहीं होता या कभी विचलित नहीं होता, कभी विचलित नहीं होता। बिकॉज देखिए केवल इस शरीर मतलब केवल हम मरने पे ही अपना शरीर नहीं बदलते हैं, बल्कि इसी जीवन के अंतर्गत एक लाइफ टाइम के अंतर्गत भी हम अनेक अनेक शरीर बदलते रहते हैं। मतलब ये कैसे संभव है? इसके विषय में भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन् यता देहि कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुक्तिः। इसमें भगवान कहते हैं जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा उसमें भी वही आत्मा है, एंड फिर वही व्यक्ति जब बड़ा होता है बॉय बन जाता है उनमें भी वही आत्मा है, वही व्यक्ति जब एडल्ट बन जाते हैं उनमें भी वही आत्मा है, वही व्यक्ति जब एक बूढ़ा बनता है उनमें भी वही आत्मा है, एंड यही आत्मा निकल जाता है जब व्यक्ति मरता है। जब व्यक्ति मरता है तब ये आत्मा निकल जाता है। तो इस प्रकार से बिकॉज ये साइंस में भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि साइंस के अंतर्गत भी ये बात कहा जाता है कि हमारा सेल्स हमारा शरीर जो अणुओं से जो बना हुआ है, हर क्षण हजारों की लाखों की संख्या में सेल्स जो है पुराने सेल्स मर जा रहे हैं और नया सेल्स पैदा हो रहे हैं। तो उस प्रकार से साइंस की कहना है कि 7 years टाइम पीरियड में 7 साल के अंतर्गत आपके शरीर के अंतर्गत जितने भी पुराने सेल्स है सारे के सारे मर कर सारे के सारे नहीं हो जाएंगे, एक एक सेल भी नहीं रहने वाली है। जो 7 साल के पहले आपके शरीर में जो कण था, 7 साल के बाद वो कण दिखेगा नहीं, एक सेल तक भी इतना माइन्यूट लेवल तक भी हमारा पूरा शरीर बदल जाने वाला है, उस एक्सटेंट तक हमारा शरीर बदल जाती है। इसलिए एक लाइफ टाइम के अंतर्गत भी हमारा शरीर बदल रहा है, हमारा शरीर बदल रहा है, बिकॉज हर 7 साल में हमें पूरा एक कंप्लीटली न्यू शरीर मिल जा रहा है। तभी तो अगर हम अपना अगर आपको भी अपनी बचपन की 6 महीने की फोटो दिखा दिया जाए, अगर क्या आप पहचान पाएंगे? 6 महीने की फोटो आपका ही दिखा दिया जाए पहचान पाएंगे? आपकी माँ की सहायता के बिना पहचान ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं आएगी मैं ही हूं करके। उस हद तक हमारा शरीर बदल चुकी है, उस हद तक हमारा शरीर बदल चुकी है। तो इस प्रकार से परिवर्तन तो इस जीवन के अंतर्गत भी हो रहा है, एंड वो परिवर्तन जब चरम स्थान पे जब मृत्यु के समय पर ये एक कंप्लीट चेंज होता है, एक नया ही शरीर मिल जाता है। बल्कि नया कपड़ा में हमें अच्छा लगता है नहीं, बार बार शॉपिंग करते हैं हम लोग, नए कपड़े पहनने में अच्छा लगता है ना। उसी प्रकाश भगवान कह रहे तुम अर्जुन ये तो भीष्म और द्रोणाचार्य के जब पुराना शरीर बेचारे बूढ़े हो गए हैं, उनके शरीर बिल्कुल जर जर हो गया है, वो शरीर लेकर मैं दूसरा शरीर दे दूंगा तो दिक्कत क्या होगा? नए शरीर तो दे रहा हूँ, थोड़ी खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि द्रोणाचार्य रहने वाला नहीं, ऐसा नहीं कि भीष्म दे खत्म हो जाएंगे, नहीं। तो उस प्रकार से इसलिए ये मत सोचना कि ये सभी मर जाएंगे और ये सभी लोगों के अस्तित्व खत्म हो जाएगी, बल्कि केवल
केवल वो अपना शरीर ही बदलने वाले हैं। और जब इस प्रकार की केवल इसी इसी बात के लिए क्यों आप अपना धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो? आपको अपने धर्म के अनुसार जो युद्ध करनी चाहिए वो युद्ध करना चाहिए। Why are you giving up for the simple cause? इस प्रकार झूठा प्रकार की दया मत दिखाओ। शरीर की प्रति दया है। जैसे मानो कि ये दया क्यों भगवान कंडन कर रहे हैं, जैसे मानो कि कोई कोई नदी में डूब रहा है, आप बिल्कुल हीरो की तरह आप उसमें नदी में कूद गया एंड फिर बिल्कुल आपने उनको शर्ट से पकड़ लिया एंड फिर बिल्कुल खींच कर ले आया एंड फिर तट पे आ गया एंड फिर आप पूरा दुनिया को दिखा रहे, देखो मैंने बचा लिया, डूब रहा था मैंने बचा लिया, और फिर सारा दुनिया ने देखा, फिर पता चला कि आपके हाथ में केवल शर्ट है, वो व्यक्ति डूब गया, केवल शर्ट है। तो इस शर्ट को बचाना हुआ क्या? कोई बचाना नहीं हुआ। जो असली व्यक्ति है वो तो डूब गया, शर्ट को बचा कर क्या कर? तो इसलिए इस दुनिया के अंतर्गत जो कंपैशन है वो केवल शरीर की प्रति है, आत्मा तो बेचारे वो रो रही है। इतने इतने जन्मों से आत्मा को अपनी आहार हमने खिलाया नहीं। शरीर को तीन तीन बार खिलाते हैं, सुबह दोपहर रात को, आजकल तो फिर केवल तीन बार में भी पर्याप्त नहीं होता है, दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। गाय की तरह, जैसे गाय दिन भर घास खाती रहती है, उसी प्रकार से लोग दिन भर कुछ ना कुछ पानी पूरी टिक्की विक्की बिस्किट ये वो डालते रहते, कोई टाइमिंग ही नहीं उसका। ठीक है, जो भी है, तो वो कचरे के दाने जो हमारा पेट है उसमें कचरा डालते रहते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पर उस प्रकार से हम अपना शरीर को तो खिला रहे हैं, बट आज तक आपने आत्मा का आहार कभी खिलाया क्या? और लोगों को पता तक भी नहीं है कि आत्मा के क्या आहार होता है, वॉट इज एक्चुअली फूड फॉर द सोल, उन्हें पता भी नहीं, तो खिलाए तक भी नहीं। इतना दिन से आत्मा को कुछ खिलाए नहीं एंड आप अभी भी शरीर के प्रति दिखा रहे दया। तो दैट इज वाई भगवान यहाँ पर कंडन कर रहे हैं, असलियत में दया दिखाओ आत्मा के प्रति। केवल शरीर के प्रति दिखाकर बहुत कोई फायदा नहीं, बहुत कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि शरीर को नेग्लेक्ट कर दो करके, बिकॉज शरीर साधन है, वो साधन को मेंटेन करने के लिए समय दो, बट आज की पूरा का पूरा संस्कृति सिविलाइजेशन केवल शरीर को मेंटेन करने के लिए ही बन चुकी है, आत्मा के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा, दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए शरीर को कंप्लीट नेग्लेक्ट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, शरीर को देखभाल करिए कोई दिक्कत नहीं, आप खाइए कोई दिक्कत नहीं, बट आत्मा के भी तो खिलाइए, उनकी जो आहार है उसको खिलाइएगा। आत्मा का क्या आहार है? आत्मा का यही आहार है आध्यात्मिकता। जिस प्रकार से हमारा शरीर मेटीरियल नेचर, इसको मेटीरियल फूड की जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार से आत्मा स्पिरिचुअल नेचर है, स्वभाव से आध्यात्मिक है, इसलिए उनको आध्यात्मिक आहार की जरूरत पड़ता है। एंड आध्यात्मिक आहार ही हम आपको बता रहे हैं क्या खिलाना है। इसलिए भक्ति करो, भक्ति करने पर आत्मा को अपनी आहार मिल जाता है, इसलिए दया दिखाइए आत्मा के प्रति दिखाइए। एंड इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस बात का खंडन कर रहे हैं, अर्जुन केवल तुम केवल शरीर के प्रति दया दिखा रहे हो, बल्कि आप उनके शरीर के प्रति दया दिखाकर उनको और आप फंसा देंगे। क्यों फंसा देंगे? कि देखो, राजा जब किसी दोषी का, किसी क्रिमिनल को दंड पनिशमेंट देते हैं, उससे क्रिमिनल का भलाई के लिए देते हैं। वाई? बिकॉज अगर क्रिमिनल को उस प्रकार की पनिशमेंट ना दे, उसकी वजह से उस क्रिमिनल को बाद में जाकर उनको 10 गुना पनिशमेंट झेलना पड़ेगा, 10 गुना पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। उस प्रकार से 10 गुना पनिशमेंट झेलने से उन्हें बचाने के लिए अभी आप पनिशमेंट दे,
पनिशमेंट दे दो। तो इस प्रकार से एक राजा कोई क्रिमिनल को पनिश भी करते दया के कारण। इफ आई डू नॉट पनिश हिम नाउ देन यू विल हैव टू सफर 10 टाइम्स मोर, 10 गुना ज्यादा उनको भोगना पड़ेगा। इसलिए उसी प्रकार से यहाँ पर तुम अगर इन लोगों को आप सही प्रकार की दंड नहीं दोगे इनकी गलतियों के कारण, देन फिर इन लोगों को और बहुत कुछ भोगना पड़ेगा, उन सारा दुखों से आप उन्हें बचा लोगे अगर इस प्रकार से उन्हें दंडित कर देंगे। इसलिए आप झूठे प्रकार की दया मत दिखाओ, बल्कि आप उनके आत्मा के प्रति दया दिखाओ इन्हें पनिश करके। पनिशमेंट इज मोर कंजीनियल फॉर द सोल हियर, दैट इज रियल कंपैशन फॉर द सोल। इसलिए आप इस पर झूठे प्रकार की दया मत दिखाओ, इसलिए आत्मा के स्तर पे दिखाओ। तो लोग आज के समय पे आत्मा, जब हम कहते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, तुरंत लोग नकार देते, अरे प्रभु जी ये क्या बात है, ये तो पुराने जमाने पुराने लोग मानते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है। दिस इज मोर साइंटिफिक टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट वी आर सोल नॉट द बॉडी। ऐसा नहीं कि विज्ञान के अंतर्गत इसका कोई स्थान नहीं है, बल्कि विज्ञान के अंतर्गत काफी रिसर्च हुई है आत्मा के अस्तित्व के विषय में। आत्मा के अस्तित्व, कई वैज्ञानिक लोग भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। अन्य धर्मों में भी, इवन क्रिश्चियनिटी में भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। एंड विज्ञान के अंतर्गत भी देयर आर मेनी मेनी साइंटिस्ट हु एक्सेप्ट द प्रेजेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। बिकॉज जैसे उदाहरण के लिए आप प्रोफेसर आइन स्टीवनसन करके एक प्रोफेसर है, तो उनके द्वारा अनेक अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं इस प्रकार के आत्मा के अस्तित्व के विषय में। बिकॉज वो उन्होंने काफी रिसर्च किया हुआ है आफ्टर लाइफ के विषय में, मतलब नेक्स्ट लाइफ होता है क्या, मतलब मरने के बाद हमारा पुनर्जन्म होता है या नहीं, उसके विषय में उन्होंने काफी रिसर्च हुआ। उस रिसर्च के अंतर्गत उन्होंने निर्धारित करके कई केस स्टडीज के साथ उन्होंने प्रूव किया कि नेक्स्ट लाइफ होता है, पुनर्जन्म होता है। एंड ये पुनर्जन्म जब, ये तभी संभव है जब हम शरीर निम आत्मा है, आत्मा है तभी जाकर ये पुनर्जन्म संभव है। तो इस प्रकार से, एंड फिर उसके साथ साथ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस करके एक फिनोमेनन है साइंस के अंतर्गत, विज्ञान के अंदर, उसी प्रकार से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस है। इन सारे चीजों के आधार पर ये हम मान सकते हैं कि हम शरीर में आत्मा है। एंड एक सिंपल लॉजिकल रीजन बताकर हम ये सेक्शन समाप्त करेंगे कि जैसा कि उदाहरण के लिए जब कोई मर जाता है, देन वो व्यक्ति तो देन सभी लोग रोने लग जाते हैं। देन जो लोग रो रहे हो उनसे पूछो जाकर कि जिस व्यक्ति को आज तक आप एक्स वाई जेड नाम से अभी तक बुला रहे थे, वो तो सामने ही लेटे हुए हैं, आप किन के लिए रो रहे हैं? देन वो कहते कि नहीं, एक्स वाई जेड चलेगी। अरे कहाँ चलेगी, आपके आंखों के सामने ही तो है। जिन्हें आप एक्स वाई जेड नाम से आज तक पुकार रहे थे, जिनको देखकर पुकार रहे थे, वो तो यही तो है ना, जिनको देखकर इन्हीं को तो पुकार रहे थे एक्स वाई जेड नाम से, वो तो सामने ही तो लेटे हैं। देन फिर कौन चले गए उससे बाहर से? नहीं वो चले गए। अरे भाई कौन चले गया, वो तो लेटे है ना सामने। एंड आप अगर केमिकली भी देखा जाए, जो जो केमिकल्स वो व्यक्ति जीवित समय पर उनके अंदर थी, वही सारा केमिकल इनमें भी है, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई डिफरेंस तो है नहीं। देन कहा गया, तो यहाँ पर जो व्यक्ति गया है, दैट इज व्हाट वी आर रेफरिंग टू एज द सोल। द सोल, अगर अंग्रेजी में भी अगर देखिए, जैसा हम कहते हैं ये मेरी हाथ है, ये मेरी कान है, ये मेरी नाक है, ये मेरी आंखें हैं, ठीक, ये मेरी गाड़ी है, मेरी पत्नी है, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, और मेरी हाथ है, मेरी पैर है। तभी आपसे प्रश्न ये है, ठीक है ये सारा कुछ आपकी है, ये मैं कौन है जिनकी ये सब कुछ है, ये मैं कौन है जिनकी सब कुछ, ये कहते ये मेरी शरीर है। हम यही कहते ना, मैं शरीर हूं करने करके नहीं कहते कभी। कोई भी लैंग्वेज आप लीजिए, इवन इंग्लिश भी लीजिए, वी से दिस इज माय बॉडी, वी नॉट से दैट वी आई बॉडी, मैं शरीर हूं करके नहीं कहते। दिस इज माय बॉडी, मेरा शरीर है।
देन हु इज दैट माइट वेव टू हुम दिस बॉडी बिलोंग्स टू? कभी सोचिए किन कौन है ऐसा व्यक्ति जिनका ये शरीर है? एंड वही व्यक्ति है, वही जिनकी शरीर है आत्मा है, वही व्यक्ति आत्मा है। उस प्रकार से इस मतलब साइंस के तौर पर भी अगर हम चर्चा करें, आगे जाकर आप लोग अटेंड करेंगे कम से कम दो, उस प्रकार से अनेक अनेक सेशंस के अंतर्गत हम डिस्कस कर सकते हैं कैसे हम शरीर निमात्मा है, बिल्कुल साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग्स के साथ साथ सारा केस स्टडीज डॉक्यूमेंट्रीज इत्यादि सब कुछ हम आपके सामने रखें, तब पता चलेगा। बट एटलीस्ट फॉर नाउ इतने सारे जो भी बातें हमने कहा उसके आधार पर आप ये बात समझे कि हम शरीर निमात्मा है। बिकॉज जब तक इस बात का स्वीकार करेंगे नहीं हम शरीर निमात्मा है करके, देन भगवत गीता है नहीं, कोई भी आध्यात्मता आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, कोई भी स्पिरिचुअलिटी आपके लिए रिलेवेंट ही नहीं। बिकॉज प्रश्न ये है कि वाई शुड अ पर्सन बी रिलीजियस, एक व्यक्ति को धार्मिक क्यों होना है? अरे क्या दिक्कत है अगर लूटपाट करके मैं जीवन जीऊं, मैं कोई बैंक को लूट करके भी क्यों ना हो, मैं अपना पेट भर रहा हूँ, मैं भोग कर रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? जब तक मैं पुलिस को पकड़ में नहीं आऊंगा मैं नाश करता रहूँ, क्या दिक्कत है? धार्मिक जीवन जीने के क्यों इतना मुझे प्रयास करनी चाहिए, इतने सारा नियमों को क्यों पालन करनी चाहिए? यूजलेस ना, देयर इज नो रीजन। इसलिए फिर अगर हम आत्मा ही नहीं, अगर हम मानते ही नहीं हम शरीर में आत्मा है, देन फिर सारा धर्म वर्म छोड़ो, फिर जैसे लूटपाट करने करके जियो, केवल पुलिस की नजर से बचना होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। बट आत्मा की कॉन्सेप्ट को जब स्वीकार करेंगे देन फिर व्यक्ति इज बाउंड टू बी रिलीजियस, बिकॉज उन्हें पता है कि एवरी एक्शन विल हैव एन ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक कार्य का मुझे कर्म फल मुझे भोगना पड़ेगा, इसलिए गलत कार्य करूंगा देन गलत फल भोगना पड़ेगा। तो इसलिए उस गलत फल भोगने से बचने के लिए भी कौन हो व्यक्ति धार्मिक हो जाए, एंड ये भी एक कारण है। फिर दूसरे ये भी व्यक्ति को पता चलेगा, अच्छा इट इज नॉट दैट आई एम कम्प्लीटली, मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर से देख रहा है, अगर गलत करूंगा तो मार पड़ेगा। फिर जब आध्यात्मिकता हम शरीर नहीं मानेंगे देन फिर वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब भगवान का अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं कर रहे देन भगवान ही नहीं, देन फिर धार्मिक वार्मिक का क्या मतलब है? इसलिए धार्मिकता स्पिरिचुअलिटी एवरीथिंग बिकम्स इररिलेवेंट अगर हम अपने आप को आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो। इसलिए भगवद गीता के अंतर्गत द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, आत्मा के विषय में ही बात पहला स्थापित किया हुआ है। फिर उसके बाद ही बाकी बातें आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ तक आत्मा के विषय में सभी लोगों को क्लियर होगा। अभी भगवान नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं जिसके अंतर्गत सकाम कर्म के विषय में भगवान चर्चा करेंगे। सकाम कर्म के विषय में अर्जुन ने भगवान से कहा ना, दूसरा आर्गुमेंट, भगवान देखो अगर राज्य में जीत भी जाऊं, राज मुझे मिल भी जाए ना, जिनके साथ मुझे भोगना था वही लोग नहीं रहेंगे तो फिर राज लेकर मैं क्या करता? What is the use? तो उसके लिए भगवान कहते हैं अर्जुन से, देखिए अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारी धर्म है युद्ध करना। अगर आप अपने धर्म के अनुसार युद्ध नहीं करोगे तेन सभी लोग तुम्हारे विषय में इसी प्रकार से कहेंगे, देखिए डरपोक ये अर्जुन युद्ध नहीं कर सका इसलिए धर्म के नाम पे भाग रहा है, दया के नाम पे भाग रहे। तुम्हारी दया नहीं समझेंगे बल्कि यही समझेंगे तो डरपोक है, मूर्ख है, ये तो भाग रहा है करके, अपने धर्म से छुट होकर भाग रहा है। एंड इस प्रकार से सभी लोगों के मुंह में मजाक बनोगे। एंड फिर एक क्षत्रिय तुम्हारी जैसा सम्मानी क्षत्रिय के लिए इस प्रकार की निंदा ही मृत्यु के समान है, इस प्रकार की निंदा मृत्यु के समान है, इसलिए अर्जुन तुम्हें युद्ध करनी चाहिए, ठीक है? युद्ध करने के बाद अभी भगवान ने समझाया कि युद्ध क्यों करनी चाहिए। अभी युद्ध करने पे दो प्रकार की परिणाम हो सकता है,
एक तो आप युद्ध में जीत सकते हो, नहीं तो हार सकते हो। अगर आप युद्ध में हार जाओगे ना, हार भी जाएंगे, अगर कोई धर्म धर्म युद्ध करता है, अगर उस युद्ध में अगर हार कर उस युद्ध में मर भी जाता है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होता है, देन फिर तब भी अर्जुन तुम्हें स्वर्ग स्वर्ग लोक के सुखों को अनुभव करने की, भोग करने की अद्भुत मौका मिलेगी। तो अगर आप युद्ध करके हार भी जाएंगे तब भी तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगी, अगर जीत जाएंगे तो तुम्हें तो पूरा पृथ्वी का पृथ्वी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जीत मतलब युद्ध करने पे दोनों परिणाम पे तुम्हें अच्छा ही हो रहा है, हारने पे भी बेहतर हो रहा है, स्वर्ग मिल जा रहे हैं, और जीत जाएंगे तो पृथ्वी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से तुम्हें भौतिक सुख का कोई कोई कमी नहीं रहेगी। वही उल्टा आप युद्ध नहीं करेंगे देन फिर सभी लोगों के मुंह में मजाक बनोगे और सभी लोग तुम्हें भला बुरा कहें सुनाए, तो इसलिए तुम्हें युद्ध करनी चाहिए। इसको सकाम कर्म कहा जाता है, क्योंकि सकाम कर्म मतलब कोई भौतिक उद्देश्य को संपन्न करने के लिए कर्म करना, अच्छा मुझे ये मिल जाएगी तो इसलिए मैं कार्य कर रहा हूं, इसलिए हम कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों को मम्मी कहते हैं कि बेटा तुम स्कूल जाओ, बेटा अरे मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी कहते बेटा तुम्हारी टिफिन बॉक्स में कैडबरी की चॉकलेट रखा हुआ है, लंच में खा लेना जाओ, देन फिर सुनता है ठीक है कैडबरी चॉकलेट मिलेगा, अगर देखो तुम स्कूल जाओगे तो कैडबरी चॉकलेट मिलेगी, नहीं तो फिर नहीं मिलेगी, देन फिर क्या करेगा बच्चा, अरे कैडबरी चॉकलेट खाते ठीक है स्कूल जाएंगे, स्कूल से ले, तो यहाँ पर कैडबरी चॉकलेट के चक्कर में स्कूल जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर अर्जुन को भोग एंजॉयमेंट की एक आशा दिखाकर देखिए जीत भी जाएंगे तुम भी तब भी एंजॉय करोगे, हार भी जाएंगे तब भी एंजॉय करोगे करके एक एंजॉयमेंट की चॉकलेट दिखाकर भगवान अर्जुन को अपनी धर्म में लगा, इसलिए इसको सकाम कर्म कहा जाता है। ये क्लियर है सभी को? फिर उसके उपरांत इस प्रकार से भगवान अर्जुन की जो दूसरा आर्गुमेंट काट रहे हैं एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा करके, अर्जुन जो कह रहे हैं नहीं तुम्हें एंजॉयमेंट मिलेगा, धर्म करो एंजॉयमेंट मिल जाएगी तुम्हें। फिर अभी तीसरा इसमें निष्काम कर्मियों के विषय में चर्चा होती है। निष्काम कर्म मतलब कोई चॉकलेट नहीं, कोई चॉकलेट नहीं है वैसे ही जाना होगा। तो यहाँ पर अब भगवान अर्जुन की जो तीसरा आर्गुमेंट था, देखिए भगवान अगर मैं इस प्रकार से इतने सारे लोगों को मैं मारूंगा तो मुझे नरक में ही तो जाना पड़ेगा ना, जो अर्जुन कह रहे थे उसकी समाधान भगवान यहाँ पर बता रहे। अर्जुन अगर तुम अगर निष्काम भाव से युद्ध करोगे या निष्काम भाव से अपने कर्म करोगे देन कर्म का कोई भी फल तुम्हें स्पर्श तक भी नहीं कर सकती है, यू विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी यू परफॉर्म इफ यू डू इट विद इन ए सेल्फलेस वे। अगर निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से अगर आप ये कर्म करोगे देन उसकी फल आपको कभी प्रभावित नहीं, आपको स्पर्श नहीं कर सकते, उसका बुरा फल हो सकता है उसका अच्छा फल हो सकता है, दोनों आपको कोई स्पर्श नहीं करेगी, इसलिए तुम इन फलों के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं, इसलिए मुझे पाप लग जाएगी पुण्य लग जाएगी मुझे नरक में जाना पड़ेगा ये सारे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाप लगेगा ही नहीं तुम्हें क्योंकि निष्काम भाव से कर रहे हो, इसलिए निष्काम भाव से करो करके अर्जुन को भगवान यहाँ पर बता रहे। अपने निष्काम भाव से करना मतलब कोई फल की अपेक्षा नहीं रखते हुए कार्य करना, फल की अपेक्षा नहीं रखते हुए कार्य करना, इसको निष्काम कर्म कहा जाता है। जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण हम बताएंगे, जैसे कि मंदिर में कोई आया तो उसने कहा कि प्रभु जी मैं क्लीनिंग कर सकता हूँ
मुझे कितना मिलेगा। फिर वो कहेंगे ठीक है, तुम दिन भर क्लीनिंग करोगे देन फिर तुम्हें 100 रुपये मिल जाएगी। देन फिर वो 100 रुपये के लिए वो दिन भर क्लीनिंग करेगा, उनको 100 रुपये मिल जाएगी तो उसके लिए वो दिन भर क्लीनिंग करेगा। एंड फिर दूसरा व्यक्ति आएगा, फिर वो कहेगा प्रोजी मैं क्लीनिंग कर सकता हूँ। फिर हम पूछते ठीक है तुम क्लीनिंग करोगे तो कितना लोगे। वो कहता है कि प्रोजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस मैं सेवा के रूप में करना चाहता हूँ। वो कहते ठीक है देन फिर मैं कर लूँ। ठीक क्लीनिंग कर दिया तो उनको कहेंगे प्रोजी आप थोड़ा बर्तन भी पड़ा हुआ है वो भी धो लेना। दिन वो कहे प्रोजी मैं तो मंदिर साफ कर सकता हूँ बट बर्तन नहीं धो सकता। मैं मंदिर साफ कर सकता हूँ मैं बर्तन नहीं धो सकता। फिर वो मना कर दे रहे सर। मैं मंदिर साफ करूँ बट बर्तन नहीं धो सकता। तो उस प्रकार से वो व्यक्ति सेवा करना चाहता है बट उनका लिमिटेड है, मैं बस यही करना चाहता हूँ, मैं बाकी सब कुछ नहीं करूँगा, मेरे से इतना ही हो पाएगा, ये भी मना कर दिया। ये है निष्काम कर्म, उनको जो कर्म करना है वो कर लेगा बट उसका फल नहीं लेगा, बस उन्हें जो करना था वो कर लेता है बट उसका फल नहीं लेता, उसे निष्काम कर्म कहा जाता। भक्ति का मतलब ये है, भक्ति का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति वही काम करेगा जो हमें जरूरत है। ये व्यक्ति हमें वहां पर बर्तन धोने की जरूरत था बट ये बर्तन धोने के लिए तैयार नहीं, केवल मंदिर झाड़ू मारकर चले जाए बट मुझे जरूरत है बर्तन धोना। देन फिर वो क्या करेगा, प्रभु जी आपको बर्तन धोने की जरूरत है, ठीक है मैं बर्तन ही करता हूँ, ठीक है बर्तन धो ले। तो इस प्रकार से तो यही है, सकाम कर्म वाला व्यक्ति अपना एक्टिविटी अपना कर्म से भी आ सकता है और कर्म फल से भी आ सकता है। निष्काम कर्म योग वाला निष्काम कर्म वाला व्यक्ति वो फल से आना सकते हैं, वो रिजल्ट से आना सकते हैं, पेमेंट नहीं ले रहे हैं बट वो अपना एक्टिविटी से आ सकते हैं, मैं यही कर सकता हूँ दूसरा नहीं करूंगा। बट भक्ति योगी वो दोनों से आना सकते हैं, वो कर्म से भी आना सकते हैं और फल से भी आना सकते हैं, जो तुम्हें चाहिए वही करूंगा वो भी निष्काम भाव से, वो भी निष्काम भाव से, ये भक्ति होगी। तो ये डिफरेंस है। तो इसलिए अर्जुन तुम इस प्रकार से निष्काम भाव से करो, तुम्हें कोई फल स्पर्श नहीं करेगी, बिकॉज आप निष्काम भाव से कर रहे हो, अपना कोई स्वार्थ नहीं है इसलिए तुम्हें फल भी नहीं लगेगा। तो इसलिए उसके कर्म फल पाप पुण्य तुम्हें लगेगा नहीं, इसलिए तुम बच जाओगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, करके भगवान उन्हें यह आश्वासन देते हैं। तो ये नेक्स्ट हो गया। एंड फिर उसके उपरांत एंड इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण श्लोक भगवान कहते हैं। तो ये थोड़ा स्लाइड यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण, नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। यहाँ पर भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, अर्जुन तुम आध्यात्मिकता का अभ्यास करो, भक्ति करो। बिकॉज क्यों भक्ति करो, कि भक्ति एक ऐसा चीज है जिसका कभी कोई कभी वो नष्ट होता ही नहीं है, कभी नष्ट होता ही नहीं है। एंड अगर थोड़ा सा भी भक्ति करेंगे ना, वो आपको बड़े से बड़े भाई से भी बचा। देखिए बाकी सारा चीजें तो जो जितना जो कुछ भी आप एकत्रित कर लेंगे मृत्यु के समय पर सब कुछ नष्ट होता है। जैसे उदाहरण के लिए पढ़ाई की बात देखो, अगर आप इस जीवन में PhD कर लेंगे उसके बाद 4-5 पोस्ट डॉक कर भी लेंगे और पोस्ट डॉक करके मर गया, फिर अगले जीवन में कहाँ से शुरू करेंगे, LKG से। फिर ABCD से ही शुरू करना होगा, ABCD पढ़ो, LKG UKG फर्स्ट सेकेंड टेंथ फर्स्ट सारा पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते अरे मेरा पिछले जीवन में पोस्ट डॉक हो गया अरे जॉब दे दो, ये नहीं कह सकते हो, वहां पर आपको शुरुआत से ही करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप कितना करोड़ों रुपए भी कमा लोगे, मृत्यु सर्वहरस चाह, मृत्यु के समय पर भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, देन एक सिक्का भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। देन अगले जीवन में जाकर आप बैंक अकाउंट में आप ATM कार्ड डालेंगे तो कुछ निकलेगा,
अरे पिछले जीवन में तो 1 लाख करोड़ रुपए था मेरे बैंक अकाउंट में, अभी 1 रुपए भी नहीं निकल रहा है, निकलेगा नहीं, बिकॉज ये इंटर लाइफ में ट्रांसफर नहीं हो सकता। केवल भक्ति एक ऐसा चीज है जो कि इंटर लाइफ में ट्रांसफर हो सकता है, इंटर लाइफ ट्रांसफरेबल चीज है जो कि अगली जीवन में तुम्हें मिल सकता है। अगर मान लीजिए इस जीवन में आपने 10% तक आपने भक्ति करा, देन अगले जीवन में आपको 11वां% से ही शुरू करना होगा। 10% तो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह जाएगी, इसलिए शाश्वत कमाई है भक्ति। यही भगवान करे ना, नेहा विक्रम नाश होस्ति, कभी नाश नहीं होगा ये चीज, कभी नाश नहीं होगा, उस प्रकार की चीज है ये भक्ति। इसलिए वैसा भक्ति करो करके भगवान कह। फिर भगवान इस पूरा सेक्शन बहुत बहुत महत्वपूर्ण, व्यवसाय आत्म बुद्धि समाधो न विधि बहुशाखायनं तस्य बुद्धि व्यवसायना। अगर आप 10 बातों में अपना दिमाग को घुमाओगे, देन फिर तुम्हारी दिमाग जो है 10 दिशाओं में जाएगी, देन भक्ति में एकाग्र नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात को हमें समझना होगा कि हमारा जीवन का लक्ष्य एग्जैक्टली है क्या। अगर जीवन का लक्ष्य एग्जैक्टली आप समझोगे, देन फिर आप अपना सारा एनर्जी समय को सब कुछ आप उस दिशा में लगा पाओगे। अभी लक्ष्य ही क्लियर नहीं होने के कारण हम हर दिशा में अपना एनर्जी को लगा देते, अपना समय को एनर्जी को हर दिशा में लगा देते हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है बुद्धयो व्यवसाय नाम बहुशाखा, मतलब हमारा मल्टी ब्रांच इंटेलिजेंस हो जाता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी ऑफर्स एज ए क्लियर कट डेस्टिनेशन और एम इन लाइफ विच कैन अलाइन ऑल आर रिसोर्सेस इन ए वन पॉइंटेड डायरेक्शन, जो कि आज के समय पर मिसिंग है। किसी का भी जीवन में लक्ष्य ही नहीं है, किसी का जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं होता, बस जीवन जी रहा है, जीवन जी रहा है, उन्हें समझ ही नहीं है जीवन के विषय में, बस जी रहा है। और किसी से पूछा जाए क्या तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, कहते हैं कि मुझे तो IAS ऑफिसर बनना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो आई स्पेशलिस्ट बनना है, तो इसी प्रकार से कुछ ना कुछ कहेंगे। बट अभी आप सोचिए, क्या इतना महत्वपूर्ण जीवन का लक्ष्य केवल एक डॉक्टर बनना, एक IAS ऑफिसर बनना ही है क्या? Is it worth a life? और इतने लोग जितने मतलब इसका मतलब जितने लोग अपना IAS ऑफिसर बन गए, दे आर सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर सक्सेसफुल ही है तो देन उन लोगों को खुश होना चाहिए था, देन वेयर इज इट हैप्पीनेस, है ही नहीं। अगर आप प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, फिर भी वो एंग्जाइटी है, वो टेंशन है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता। बिकॉज ऑलवेज ये बात ध्यान रखिए, सेटिस्फैक्शन इज नॉट देयर इन थिंग्स, आनंद वस्तुओं में नहीं है। इसलिए वस्तुओं के पीछे पड़कर केवल वस्तुओं को ही एकत्रित करने का और अपना अहंकार को ही तुष्ट करने के लिए, अनेक पद को स्वीकार करने के लिए प्रयास करेंगे तो यू विल नेवर बी सैटिस्फाइड, बिकॉज नो बडी हैज बीन सैटिस्फाइड अंटिल नाउ, आज तक कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। क्योंकि आप कुछ भी बन जाओगे ना, अगर IAS ऑफिसर भी बन जाओगे, तब सोचेंगे कि अच्छा मैं इस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी मुझे बन जाना, देन फिर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बन जाएंगे, देन फिर सोचेंगे अरे इतना मेहनत करके पढ़ाई करके सेक्रेटरी है मैं बनूं, अरे मुझे मिनिस्टर बनना है, तो फिर मिनिस्टर बनेंगे। तो फिर मिनिस्टर बनने के बाद सोचेंगे अरे मिनिस्टर बनने के बाद भी चीफ मिनिस्टर का ही चपरासी करना पड़ता है, तो बेहतर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, देन चीफ मिनिस्टर बन जाओगे। देन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद फिर सोचेंगे अरे चीफ मिनिस्टर बना तो केवल एक ही स्टेट तो मेरे हाथ में है, पूरा भारत तो थोड़ी हाथ में है, बल्कि मैं प्रधानमंत्री के अनुसार चलना पड़ रहा, तो बेहतर प्रधानमंत्री बन जाता, तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो प्रधानमंत्री बन भी गया, फिर भी व्हाट इज इट दैट यू हैव अचीव्ड, क्या हासिल कर लिया आपने? प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ऐसा नहीं कोई सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल सेटिस्फाइड व्यक्ति तब भी सोचेगा
ये तो तभी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तभी वो व्यक्ति तभी व्यक्ति सोचता है, बिकॉज प्रधानमंत्री बनने के बाद भी 5 साल में उतरना होगा ना, देन वो सोचो 5 साल के बाद मैं अपने पद को कैसे बना कर रखूं, उसके लिए प्लानिंग करे। तो इस प्रकार से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाली। दैट इज वाई द ओनली प्लेस वन कैन डिराइव सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस की स्पिरिचुअलिटी, भगवान का ही आश्रय में ही व्यक्ति उस प्रकार के आनंद और संतुष्टि को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा जैसा वो माँ की गोदी में आ जाता है तुरंत वो संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से ही जैसा व्यक्ति भगवान के आश्रय में आता है वो संतुष्ट होता है। एंड दिस इज अ टाइम टेस्टेड प्रोसेस जो आपको बता रहे हैं, ये टाइम टेस्टेड प्रोसेस है। अनेक अनेक लोग इस प्रकार के अनुभव पाकर बता रहे हैं। आजकल भी इतने सारे जो जो लोग जो प्रामाणिक रूप से भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं उनसे जाकर पूछिए द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट दे आर फीलिंग फ्रॉम विदिन, द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट दे आर एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम विदिन, दे कैन स्पीक फॉर देमसेल्व्स, वो लोग खुद से बताएंगे। इस प्रकार से हम अपना बुद्धि को भटकाने को फायदा नहीं। इसलिए वेद से इसलिए श्लोक हम बताते हैं त्रैगुण्य विषयो वेदना त्रैगुण्य भवार्जुन। हालांकि वेद शास्त्रों के अंतर्गत अनेक 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 प्रकार की यज्ञ करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, व्रत करने के लिए इत्यादि इत्यादि अनेक अनेक प्रकार की बातें आएंगी, बट भगवान यहाँ पर कह रहे उन सारे बातों में पढ़ने का भी जरूरत नहीं, उन सारे बातों में भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर कोई अगर निर्मल रूप से अगर भगवान की भक्ति कर रहा है देन उन सारे बातों में भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता। बिकॉज लोग सोचते हैं प्रभु जी इतने सारे नियमों की ये सारे चीजें हम कैसे करते, नहीं भगवान इतना सिंप्लीफाइड कर दिया, इसलिए भक्ति बहुत बहुत सरल है। फिर भगवान कह रहे हैं नई त्रैगुण्य भव अर्जुन, अर्जुन इन सारे वेद शास्त्र में बताई गई बातों को भी आप ऊपर उठ जाओ करके भगवान अर्जुन बता रहे। और आगे बढ़ते हैं इसमें भगवान, ये बहुत ही फेमस श्लोक है जिसके विषय में सभी ही लोग जानते हैं, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा दे संगोस्ति अकर्मणि। ये बहुत फेमस श्लोक है, सभी लोग इसी के नाम लेकर कहते हैं देखो भगवान ने केवल कर्म करने के लिए कहा है, हम मैं अपना कर्म कर रहा हूं। बट बात यह है कि भगवान कर्म करने के अलावा बहुत कुछ कहा है, ये नहीं बोलते लोग बस भगवान ने कर्म करने के लिए कहा। अगर कर्म करने के लिए कहा देन चोर भी आकर कहेगा अरे मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ, हर रोज चोरी करना मेरी कर्म होता है इसलिए मैं लूटता हूँ, आज तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ तो लूटने दो मुझे, अपने कर्म करने दो। तो लूटने देंगे, कर्म कर रहे हैं ना, वो कर्म करना मेरी अधिकार है, कर्मण्येवाधिकार अस्ति। भगवान केवल कर्म ही नहीं करने के लिए कहते बल्कि उसके लिए कई क्वालिफिकेशंस बताए थे जिसके अनुसार हमें कर्म करनी चाहिए। तो पहले इसमें भगवान कहते हैं माँ कर्म करना तुम्हारे अधिकार है बट माँ फलेषु कदाचन, बट फलों के ऊपर तुम्हारी अधिकार नहीं है, फल के ऊपर तुम्हारे अधिकार नहीं। आप कह सकते हो ब्रो जी मैंने कर्म किया मेरी हो गए फल, नहीं जैसे यही बात भगवान कह रहे कर्म के कर्म करना करने के ऊपर तुम्हारे अधिकार है बट फलों के ऊपर तुम्हारे अधिकार नहीं है। और माँ कर्म फल है दुर्बुर, एंड आप कभी भी अपने आप को कर्म उस कर्म फलों की हेतु भी मत मानो। जैसा कई लोग कहते हैं ना मुझे ऑल इंडिया रैंक आई है, मैंने इतना मेहनत किया मेरी वजह से मुझे मिली है, ऐसा ऐसा करके सारा क्रेडिट खुद ही लेने का प्रयास करते। इस प्रकार से वो सारा क्रेडिट तुम्हें नहीं लेने का, कर्म फल हेतु उस कर्म फल जो भी तुम्हें मिला है उसका हेतु उसका कॉज उसका क्रेडिट तुम्हें नहीं लेनी चाहिए। फिर कहता है देखिए जब मुझे ना फल मिलेगा ना क्रेडिट मिलेगा तो मैं कर्म करूंगा फिर। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो तब भी तुम्हें माते संगोस्ते कर्म नहीं, इसलिए तुम्हें कर्म नहीं करने से आसक्त नहीं होना, मतलब इसका मतलब ये कि तुम्हें फिर भी अपने कर्म करनी चाहिए।
तो ये सारा क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हुए उन्होंने कर्म करनी चाहिए, एंड फिर साथ ही साथ भगवान किस प्रकार के कर्म करनी चाहिए ये भी कहते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर चोर भी कह देगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ ये मेरे कर्म है कर, बट भगवान के लिए बताए बुद्धियुक्तो जहाति यह उबे दुष्कृते सुकृते, बुद्धियों के साथ हमें पुण्य कार्यों से पाप कार्यों से दोनों से बचते हुए हमें कार्य करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कई लोग आश्चर्यचकित होंगे कि आप पुण्य भी करने के से मना कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताएंगे, बेसिकली तीन प्रकार के कर्म है, एक कर्म एंड दूसरा विकर्म एंड तीसरा अकर्म, कर्म विकर्म और अकर्म। कर्म मतलब सिंपल कर्म मतलब पुण्य कार्य है, विकर्म मतलब पाप कार्य है, अकर्म मतलब भक्तिमय कार्य। कर्म मतलब पुण्य कार्य, विकर्म मतलब पाप और अकर्म मतलब भक्तिमय कार्य। और विकर्म करने पे पाप कार्य है इसलिए पाप लगेगा, पाप के लिए हमें दुख भोगना पड़ेगा और ज्यादा पाप हो जाने पे नरक भेजा जाएगी। एंड दूसरा जब हम कर्म करेंगे, कर्म का मतलब है शास्त्रों में बताई गई विधि विधान के अनुसार कार्य करना, शास्त्रों में बताई गई विधि विधान के अनुसार कार्य करना ये कर्म होता है। जब इस प्रकार के कर्म करेंगे दिन तुम्हें पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलने पे दिन तुम्हें अलग अलग प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, धन मिलेगा और अच्छा सुंदर शरीर मिलेगी एंड बहुत बुद्धिमान इंटेलिजेंस मिलेगा, मेमोरी पावर मिलेगा, तो ये सारा कुछ जो है पुण्य कर्मों की वजह से तुम्हें मिलता है। बट समस्या है कि भगवान कह रहे कि उभे सुकृते दुष्कृते, पाप पुण्य दोनों से ही बचो। अर्जुन दोनों से क्यों बचे, अच्छा है ना धन मिल जाएगी, अच्छा है सौंदर्य मिल जाएगी, अच्छा है बुद्धि मिल जाएगी ना, अच्छी बात है, लेकिन फिर भगवान क्यों बचने के लिए कह रहे, क्योंकि देखिए अगर पाप फल भी मिलेगा पुण्य फल भी मिलेगा दोनों को भोगने के लिए हमें इसी भौतिक दुनिया में आना पड़ेगा, पुण्य की वजह से भी हमें इसी भौतिक दुनिया में आना पड़ता है। अगर इस भौतिक दुनिया में हमें पुण्य को भोगने के लिए भी हमें आना पड़ेगा तो इसका मतलब यही है कि फिर जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, बीमारियों को झेलना पड़ेगा और फिर बुढ़ापा को झेलना पड़ेगा, ये चार मुफ्त में मिल जाएंगी। बट इट इज नॉट वर्थ दैट हैप्पीनेस, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मूर्ख तुम इस पुण्य में भी मत पड़ो, नहीं तो फिर तुम्हें इसी भौतिक दुनिया में वापस लौट कर आना पड़ेगा। एंड फिर अगर मान लो कि पुण्य को भोगने के चक्कर में हम इस दुनिया में वापस लौट कर आया एंड उस जीवन में हम पुण्य की सुविधाओं को भोगते भोगते हम कई पाप कर लिए, जैसे उदाहरण के लिए कई धनी लोग होते हैं, उस धनी लोगों को खूब सारे पुण्य किया उसकी वजह से उनको धनी परिवार में जन्म मिल गया, खूब सारा धन है, खूब सारा धन होने की वजह से वो हर प्रकार के पाप कार्य कर रहे हैं, वो दारू पी रहा है, नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, हर प्रकार के पाप कार्य कर रहे हैं, देन फिर क्या होगा, फिर अगले जीवन में फिर दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए पुण्य भोगने के चक्कर में इस दुनिया में आया और पाप करके दोबारा दुख में गिर गया, तो उस प्रकार से व्यक्ति फंस जाता है। इसलिए भगवान कह रहे कि मूर्ख तुम इस दुनिया में वापस आने का कोई 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 चांस ही मत दो, इसलिए पुण्य भी मत करो और पाप भी मत करो, देन फिर करो क्या, खाली बैठ जाओ। भगवान कहते नहीं, भगवान कहते कि कश्चित कश्चित क्षणम अभी जात कार्यति है आवश्यक कर्मा ना ही कश्चित क्षणम अपनी जात उत्तिष्ठत कर्म करत, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी क्यों ना हो खाली बैठ नहीं सकता, उनको उनकी स्वभाव जो है उनसे कोई ना कोई कार्य करवाएगा ही, कोई ना कोई कार्य करवाएगा ही, इसलिए बेहतर है तुम जब कोई कार्य करना मजबूरी है स्वभाव के कारण, पाप और पुण्य करेंगे तो फंस जाओगे, इसलिए आप कार्य करो भगवान के लिए, एंड वही है अकर्म जो कि भक्तिमय कार्य कहा जाता है। भक्तिमय कार्य करने से जिस प्रकार से अर्जुन को भगवान ने पहले कहा है तुम्हें कोई कर्म फल नहीं लगने वाला,
कोई कर्मफल नहीं लगेगा, ना पाप मिलेगी ना पुण्य मिलेगी, कोई कर्मफल नहीं लगेगी, बल्कि हमारे आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी होकर हम धीमे धीमे भगवत धाम की ओर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए इस पूरा भौतिक दुनिया से ही निकलने का यह बहुत सुंदर व्यवस्था है कर्म करना। इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पर अकर्म करने के लिए कह रहे हैं। देन फिर भगवान कहते हैं योगस्तो कुरु कर्माणि। अर्जुन, भगवान केवल कर्म करने के लिए नहीं कहा, भगवान ये भी कहना योगस्तो कुरु कर्म, तुम कुरु कर्म, मतलब कर्म करो बट कैसे, योग में स्थित होकर। ऐसे नहीं कि योग को छोड़ के। वो लोग कहते ना प्रभु जी हमारे पास कहा आज के समय पर भक्ति भक्ति के लिए इतना समय होता है, तुम लोग तो साधु बाबा है, तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है, इसलिए तुम लोग तो इसी में लगे रहते हो, हम तो गृहस्थ है, जॉब करते, इतना सारा काम करते हैं, हमारे पास कहाँ समय होता है। बट भगवान यही कह रहे, देखो मूर्खों की तरह तुम अपना सारा काम, मतलब अपना सारा समय केवल आप अपना कर्म करने ही करने में मत लगाओ, बल्कि कर्म करने के लिए भगवान कह रहे योग में स्थित होकर, खाली कर्म करने के लिए नहीं कह रहे। देन आधा अधूरा बात क्यों सुन रहे हैं, देन फिर योग में स्थित होकर आप अपना कर्म करो, है ना। तो योग में मतलब भक्ति में स्थित होकर आप अपना अपना कर्म करो, एंड भक्ति में स्थित होने के लिए फिर भक्ति के लिए समय देनी चाहिए ना। तो फिर कैसे व्यक्ति कह सकता है कि मेरे पास भक्ति के लिए समय नहीं है। देखिए बाकी जीवन भर आप जो कुछ भी काम करेंगे ना, उससे आपको ना कोई संतुष्टि मिलने वाली है ना कोई संतुष्ट होने वाला है। जैसा आप जीवन भर भी अपना परिवार की चापरासी कर भी लीजिए, आप बताइए कि कोई संतुष्ट हो जाएंगे क्या, आप सास संतुष्ट हो जाएगी, ससुर संतुष्ट हो जाएगी, पति संतुष्ट हो जाएंगे, बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे, ये 100% गारंटी आज ही लिखकर हम देंगे कि नोबडी कैन एवर बी सैटिस्फाइड बाय मटेरियलिस्टिक एंडीवर। भौतिक प्रयासों से हम अपने आप को ही संतुष्ट नहीं कर सकते, दूसरे को तो दूर की बात है, कोई नहीं संतुष्ट हो सकता। इसलिए अपना पूरा समय उसी में, इसका मतलब हम नहीं करेंगे उन सब लोगों को छोड़ दो करके, आप अपना ड्यूटी करो बट योग में स्थित होकर करो ना, भक्ति के लिए भी समय दो, आध्यात्मिकता का अभ्यास करते हुए करो। वही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, आप अपना सारा समय उसी में मत गमाओ बल्कि भक्ति के लिए भी समय दो। इसलिए तू कहता है मुझे भक्ति के लिए समय नहीं है तो मूर्ख है, मूर्ख नंबर वन है, एंड वैसा गधा नहीं बनना। एंड आखिर सेक्शन है ये, केवल हम संक्षिप्त में कवर कर देंगे। इसमें अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति, इस प्रकार से आध्यात्मिकता का अभ्यास करता है, देन फिर कौन सी स्थिति को प्राप्त करता है, देन फिर उस स्थिति को पहचाने कैसे, देन उसके विषय में भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञा की स्थिति है, समाधि की स्थिति है। कोई कहते, कई लोग कहते ना अपने आप को महात्मा के रूप में डिक्लेयर कर देते, मैं बिल्कुल पहुंचा हुआ महात्मा हूं, मेरे आरती उठा, देन अभी उनकी आरती वारती का हिसाब निकल जाएगी। यहाँ पर भगवान बताएंगे कि उस व्यक्ति का क्या लक्षण होता है। असलियत में जिसने समाधि स्थिति को प्राप्त किया हुआ है, जो कि मुक्त हो गया है, उस व्यक्ति का क्या लक्षण है। क्योंकि व्यक्ति जीवन मुक्त होता है, ऐसा नहीं कि मरने पर ही मुक्त होता है, बल्कि जीवित अवस्था में भी एक व्यक्ति मुक्त हो सकता है। एंड वो मुक्ति क्या है, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि उस वो वैसा महात्मा का क्या लक्षण होता है। इसमें अर्जुन प्रश्न पूछते भगवान से, अर्जुन भगवान मुझे ये बताइए कि क्या भाषा एक महात्मा का, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का क्या लक्षण होता है, किम प्रभास देता, मतलब एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति या इस प्रकार से जो महात्मा व्यक्ति है, जो मुक्त व्यक्ति है, वो व्यक्ति कैसे जब एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आता है उसमें वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। एंड फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि किम अशिता, एक महात्मा वो अपना इंद्रियों को नियंत्रण में कैसे रख पाता है, किम व्रजेता, एक महात्मा अपनी इंद्रियों को कार्यों में कैसे लगा कर रखता है, केवल बिठा कर रख देता है या कोई काम धंधा करता है या नहीं, कोई कार्यों में अपना इंद्रियों को लगाता है नहीं। तो इस प्रकार के चार प्रश्न, कितना रिलेवेंट क्वेश्चंस आप देखिए। महात्मा मतलब केवल निष्क्रिय रूप से रहने वाला नहीं है, बिल्कुल क्या है पता चल जाए। भगवान कहते हैं
प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् प्राप्तान् मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। यहाँ पर भगवान कहते हैं महात्मा मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, मतलब वो व्यक्ति है जिसने अपने सारे भौतिक इच्छाओं को जिसने छोड़ दिया। क्योंकि इच्छाओं को ऑल टुगेदर छोड़ना संभव है, क्योंकि हम कोई पत्थर नहीं इच्छाओं को छोड़ देने के लिए। हम एक जीव होने के नाते इच्छाएं होंगी, बट हम भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं से रिप्लेस करनी है, भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं से रिप्लेस करनी। जिस प्रकार से एक स्त्री जब शुरुआत में वो हमेशा अपने ही सुविधा के विषय में सोचती रहती है, अपने सुविधा के विषय में सोचती रहती है, बट एक बार जब बच्चे पैदा हो जाता है देन हर चीज बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगती है। वो अपना सुविधा अपने लिए असुविधा होने के बावजूद भी बच्चे के लिए अगर कोई सुविधाजनक है तो वही करे। हो सकता है उनको पर्टिकुलर चीज खाना बहुत अच्छा है, बट अगर उनको लगता है कि अगर ये चीज मैं खाऊंगा तो बच्चे बीमार पड़ जाएगा देन तुरंत खाएगी। तो उनकी सोचने की ढंग बदल जाती है, सोचने की ढंग बदल जाती है। तो यहाँ पर वो इच्छा करती है अपने बच्चे की। उसी प्रकार से एक भक्त भी अपने लिए इच्छा करना बंद करके वो भगवान के लिए सारे इच्छा करना शुरू कर देता है। अच्छा मैं भगवान को आज ये भोग बना करके लाऊंगा, भगवान की ये सेवा करूंगा, भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए मैं ये कार्यक्रम करूंगा। तो इस प्रकार से ऑल ऑफ हिज थिंकिंग विल चेंज, इट विल बिकम कृष्णा सेंट्रिक, इट विल बिकम गॉड सेंट्रिक थिंकिंग। यहाँ पर ये बताया गया। एंड फिर कहते हैं फिर कैसे रिएक्ट करेगा एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जब आने पर, देन फिर कहते दुखेशु अनद्विग्नमना सुखेशु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धर्मनि उच्यते सर्व। यहाँ पर कहते हैं दुख आने पर बहुत ही दुखी नहीं होता, एंड बहुत ही सुख आने पर वो बहुत ही कुछ नहीं हो जाएगा, बल्कि दोनों परिस्थितियों में वो समतुल्य रहता है। समतुल्य कैसे रह पाएगा? What does it makes? Equipoised की देखिए, जो व्यक्ति अंदर से संतुष्ट है, जो व्यक्ति अंदर से संतुष्ट है उन्हें कुछ चीज की जरूरत ना किसी चीज की जरूरत पड़ता है, ना किसी चीज खोने की दुख होता है। बिकॉज वो कुछ भी अपना नहीं मानते, इसलिए उनका कुछ खो भी नहीं सकता। इसलिए कि कोई भी चीज खोने का भी कोई दुख नहीं है, ना कोई चीज मिलने पे भी कोई एक्स्ट्रा ये नहीं है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 1,000 करोड़ रुपए हैं, कितना है अभी नहीं मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए हैं, 1,000 करोड़ रुपए में अगर 10 रुपए तुमसे गिर जाए क्या सिर फोड़ फोड़ कर रोएंगे? अगर 1,000 करोड़ रुपए में से 10 रुपए गिर जाए सिर फोड़ कर तो रोने वाला तो नहीं है। एंड उसी प्रकार से अगर 1 रुपए मिल भी जाए क्या पार्टी मनाएंगे? नहीं, बिकॉज आपके पास 1,000 करोड़ रुपए हैं, उसके सामने ना 10 रुपए ना 1 रुपए कोई मतलब ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं करता आपके। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कंप्लीटली सेटिस्फाइड है अंदर से, उनके लिए ये दुख और सुख दोनों ही मैटर नहीं करता। भगवान कहते हैं फिर वो अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में रखेगा? यदा संहरते चायम कूर्मंगानि सर्वसहि इंद्रियानि इंद्रियातेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार से आपके भी कछुओं को देखे होंगे, कछुए के ऊपर जब आपको भी कछुआ के पास जब जाने का प्रयास करेंगे तुरंत कछुआ अगर कछुओं के ऊपर आप अटैक करने का प्रयास करेंगे तुरंत कछुआ क्या करती है, अपने सारा अंगों को वो अंदर खींच लेती है, अपना जो शेल होता है शेल के अंदर खींच लेती है, बिकॉज उनकी शेल बिल्कुल स्ट्रांग होता है। अगर उसके ऊपर आप रॉड से भी मार दो फिर भी कुछ नहीं होगा, उतना स्ट्रांग होता है शेल, इसलिए वो अपना शेल के अंदर खींच लेती है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से एक महात्मा भी अपना इंद्रियों को हमेशा वश में रखता है। जैसा कोई इंद्रिय वस्तु सामने आता है तुरंत वो अपना सारे इंद्रियों को खींच लेता है, मतलब इंद्रिय वस्तु से वो खींच लेता है, ताकि वो उस इंद्रिय वस्तु के संपर्क में अगर इंद्रिय जाएगी देन फिर
प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जैसा इंद्रिय वस्तु सामने आता है वो तुरंत जिस प्रकार से एक कछुआ अपने अंगों को अंदर खींच लेती है, उसी प्रकार से एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति एक महात्मा अपने इंद्रियों को खींच लेता है, इंद्रियों के संपर्क में जाने नहीं देता अपने इंद्रियों को, बिकॉज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, अगर सामने रहेगा तो फिर मन में आएगी बात, इसलिए वो इंद्रियों को ही हटा देता है। ठीक है भाई छोड़ो करके निकाल। एंड इतना ही नहीं, बट इस प्रकार से कब तक कर पाओगे, इस प्रकार से कब तक कर पाएंगे, इसी के लिए भगवान कहते हैं विषय आविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वज्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, यहाँ पर कहते हैं इसलिए व्यक्ति को एक ऊंचा स्वाद विकसित करनी चाहिए, जब ऊंचा स्वाद के बल पे वो निम्न स्वाद को वो वैसे ही छोड़ देगा, निम्न स्वाद को वैसे ही छोड़ देगा। अगर भक्ति भक्ति करने में जो उनको आनंद और सेटिस्फेक्शन जैसे मिलने लगता है, देन फिर बाकी जो छोटे मोटे सेटिस्फेक्शन की जो बातें हैं उनको वैसे ही छोड़ देगा, उनको कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए बचपन में हम खिलौने के साथ खेलते थे खूब, एंड जहां पर भी खिलौना दिखता था फिर वहां खड़े हो जाते, मम्मी मम्मी मुझे खरीदो खरीदो करके, जब तक खरीदती नहीं तब तक हम मिलते नहीं है। तो उस प्रकार से उतना आ सकते थे खिलौने के प्रति, बट आज क्या स्थिति है अपनी, आज वो आसक्ति गई कहां, इतने आसक्ति थे हम खिलौने के प्रति, रोते थे जमीन पर लौटने लग जाते थे, एंड वो सारा आसक्ति अभी कैसे खत्म हो गया, बिकॉज अभी हमें किसी और चीज में हमें रस मिलने लगा, उस खिलौने में जो हमें रस मिलता था बचपन में वो रस अभी नहीं मिल रहे, बल्कि अभी हमें किसी और चीज में हमें रस मिल रहा है। तो उसी प्रकार से गलत चीजों से आप तभी बच पाओगे जब आपके पास कोई अच्छा चीज है जिससे आपको उससे ज्यादा आनंद मिल रहा है, उससे ज्यादा आनंद मिल रहा है। तो इसलिए हम अपना प्रचार के अंतर्गत हम सैकड़ों सैकड़ों लोगों को हमने देखा है जिन लोगों ने बहुत ही सहज रूप से अपने गलत आदतों को अपने आप से ही छोड़ दिया है, उनको हमें बोलने तक भी जरूरत नहीं पड़ता, हमें बाद में पता चलता था कि ये दारू पीता पहले दारू पीता था करके पहले बाद में पता चलता है, वो छोड़ने के बाद आकर कहते थे प्रभु जी हम दारू पीना बंद कर दे रहे, हम मांसाहार करना बंद कर दे, हम सिगरेट पीना छोड़ दे रहे, बिकॉज उनको भक्ति का ऊंचा रस उन्हें मिल रहे हैं, तो इसलिए छोटे छोटे चीजों को वैसे वैसे छोड़ दे रहे। तो उस प्रकार से हम अपना सारा गलत आदतों से मुक्त हो सकते हैं जब उस प्रकार से भक्ति का आध्यात्मिकता का स्वाद जब हमें मिलने लगता है। अगर आप कितना भी अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करो वो नियंत्रण नहीं। लास्ट एक बात हम कहते हैं तो विषय लास्ट सेक्शन में भगवान बताते हैं एक व्यक्ति कैसे व्यक्ति पतन कैसे होता है। भगवान बताते हैं जैसा हम कोई भी इंद्रिय वस्तु के विषय में बारंबार सोचने लगते हैं एंड उसी के संबंधित इच्छाएं हमारे मन में आ जाती है, देन फिर वो इच्छा आने के बाद उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे, देन पूरा करने के चक्कर में उससे हम आसक्त हो जाएंगे, फिर वो आसक्ति जब हमारी इच्छा होती है देन इच्छा पूरा नहीं होता है देन क्रोध आ जाता है, जब क्रोध आता है देन फिर बुद्धि खत्म हो जाता है, देन फिर बुद्धि विहीन मूर्ख की तरह हम कार्य करने लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए छोटा उदाहरण बताएंगे, जैसे मान लो कि आपने आइसक्रीम खरीदा, एक छोटा बच्चा ने 15 साल का बच्चा ने उसने आइसक्रीम उनको बहुत अच्छा लगता है वनीला आइसक्रीम, उन्हें बिल्कुल वनीला आइसक्रीम उन्होंने अमूल वाला खरीद लिया, बिल्कुल वो फैमिली पैक वाला खरीद लिया और फिर उन्होंने रेफ्रिजरेटर में रखा, उनको खूब इच्छा था, वो बार बार सोच रहा था आइसक्रीम के विषय में आइसक्रीम करके, उनको जैसा अमूल की दुकान दिखाई दिया तुरंत गया फिर अमूल की आइसक्रीम खरीद लिया। जैसे मैंने को कहा ना जैसा आप सोचेंगे एंड फिर आपको खाने की इच्छा या वो खरीदने की इच्छा या वो प्राप्त करने की इच्छा आएगी, देन फिर उनके अंदर इच्छा आई फिर अमूल का दुकान में गया फिर वो ले लिया अभी बात हो गया, देन उन्होंने सोचा ठीक है मैं नहा कर खा लूंगा करके फ्रिज में रख दिया, देन फिर नहाने गया फिर बाहर आया तब वो फ्रिज खोलकर आइसक्रीम निकाल रहे, तुरंत पीछे से आवाज आती है मम्मी की,
मम्मी कहती है कि बेटा तुम्हें तो जुकाम है और बुखार भी है और खांस भी रहे हो, इस अवस्था में अगर आप तुम आइसक्रीम खाओगे तो क्या होगा, इसलिए तुम्हें आइसक्रीम नहीं खाने का, खाओगे देन देखो क्या होगा, यानी कि मम्मी मना कर देती उन्हें, देन फिर क्या होगा बच्चा को, गुस्सा आएगी, गुस्सा आएगी, है ना। उन्होंने जो इच्छा के इतने इच्छा के साथ उसे पूरा करने को प्रयास कर रहे थे, जन उसमें ज्यादा जैसा बाधा आई तुरंत गुस्सा आ जाता, गुस्सा आता है, मैंने इतना मेहनत करके, मैं बारिश में भी क्यों ना हो फिर जाकर अमूल की दुकान से मैं आइसक्रीम खरीद कर लाया, मैं अपने पॉकेट मनी से खरीद कर लाया, तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं आइसक्रीम खाऊंगा फिर, देन फिर इस प्रकार से गुस्सा आएगी, देन गुस्सा आने के बाद बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि काम नहीं करता, देन फिर बुद्धि विहीन व्यक्ति की तरह कार्य करता है, देन फिर व्यक्ति का पतन उस प्रकार से हो जाता है। इसलिए यहाँ पर यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी फिर गुस्से को कैसे नियंत्रण करना इत्यादि इत्यादि, समय नहीं है तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं आज की सेशन। गुस्से को कंट्रोल करने का एकमात्र यही माध्यम है अपना इच्छाओं को पहले कंट्रोल करना होगा, वो सारा स्टोरी शुरुआत हुई इच्छा से, अगर इच्छा का आप कंट्रोल नहीं करेंगे देन आपके गुस्सा कभी कंट्रोल में नहीं आने वाली है, गुस्से को आप यांत्रिक रूप से कितना भी कंट्रोल करने का प्रयास करो कंट्रोल ही नहीं हो पाएगी, लोग कहते हैं कि नंबर्स गिन लो, ये कर लो, वो कर लो, बट क्या कंट्रोल है, गुस्सा करने के बाद बुद्धि काम नहीं करते तो सारा जो भी आपने ज्ञान सीखा है बुद्धि में तो है, वो बुद्धि ही खत्म हो जा रहा है, नाश नाश बुद्धि नाशः, बुद्धि ही नाश हो जाता है, देन फिर कोई काम का नहीं है, जो भी आपने सेमिनार सुना वर्कशॉप से अटेंड किया कोई काम का नहीं आए, बिकॉज सारा मेमोरी ही लॉस हो जाता, तो इसलिए गुस्सा होने से ही बचना होगा, गुस्सा होने से बचने के लिए हमें क्या करना है, इच्छाओं से मुक्त होना, ठीक है। फिर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, किसी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लीजिए, कल का दिन फिर तीसरा अध्याय से शुरू, हरे हमारी कृष्णा, आशा है कि आप लोगों को समझ आ रहे हैं या नहीं पता नहीं, थैंक कुछ यू कुछ वेरी थोड़ा मच। थोड़ा घुस रहे हैं दिमाग, बिल्कुल, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपने चैट बॉक्स में लिखें हाउ वाज द सेशन, कैसा लगा। जैसे हमने फर्स्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि हम एक स्लैंग यूज करते हैं हरी बोल जब बहुत ही अच्छा लगता है सेशन, या हम अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, तो प्लीज अगर कैसा लगा सेशन, आपको बातें समझ में आ रही है कि नहीं, प्लीज हरी बोल लिख के टाइप कीजिए सो दैट प्रभु जी को पता चल पाए कि हाउ वॉज द सेशन। थैंक यू वेरी मच अभय प्रभु, थैंक यू वेरी मच पुलकित प्रभु, सुशील प्रभु, मेघा माता जी, यीशु जोशी, मेहुल, शीला देवी माता जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर राइटिंग हरी बोल इन द चैट बॉक्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज क्वेश्चन आंसर का जो हमारा सेशन है उस पर हम लोग मूव करेंगे। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि प्लीज आप हैंड रेज का एक ऑप्शन है जूम पे, प्लीज आप हैंड रेज कीजिए। सिक्वेंशियली वी विल कॉल आउट योर नेम एंड वी विल आस्क यू टू अनम्यूट एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो सभी लोग हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी लोगों ने, जिन भी लोगों ने हरी बोल चैट में लिखा है, अर्चना माता जी लिखती हैं आनंद आ गया, थैंक यू रीता अग्रवाल माता जी, थैंक यू वेरी मच। और सेकेंड चीज, बिफोर वी टेक द क्वेश्चन, आपके साथ ऑल्सो हम लोग जैसा डे वन का क्विज था, सिमिलरली डे टू का क्विज ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया है, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग उस क्विज में पार्टिसिपेट करें। और ये क्विज फॉर्म विल बी यूज्ड एज योर अटेंडेंस एज वेल एज, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे मे बी आज डिस्कस नहीं हो या नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां पे एक सेगमेंट है जहाँ पे कि आप अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, एंड वी विल मेक श्योर कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके लिए हम लोग एक सेपरेट Q&A सेशंस करेंगे। सो क्विज जरूर भरें, और जो भी लोग 60% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे क्विज में, और साथ ही साथ 7 days out of 9 days उनका अटेंडेंस रहेगा, दे विल रिसीव भगवद गीता एंड सब गिफ्ट वाउचर्स फ्रॉम इस्कॉन मार्डा, राइट। सो मूविंग टू द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट। मोनिका माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि आप अपना क्वेश्चन टू द पॉइंट रखें। थैंक यू। हाँ माता जी, आप अनम्यूट करके प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी,
मैं ये पूछना चाहती हूँ कि निष्काम कर्म योग के बारे में जो प्रभु जी ने बताया कि मंदिर में अगर कोई डिवोटी आया है क्लीनिंग करने के लिए और वो निष्काम करना चाहता है, तो अगर अगर कोई डिवोटी ने पूरा मंदिर साफ कर दिया और उसको कहा जाए कि टॉयलेट्स भी क्लीन कर दो और अगर वो मना कर दे तो क्या कृष्णा बुरा मानेंगे, क्या उसे पाप लगेगा? कृष्ण विल ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड. वो तो इतना देखेंगे कम से कम इतना तो इन्होंने कम से कम मंदिर तो साफ कर दिया, कम से कम इतना तो करा है. वो हमेशा हमारा पॉजिटिव साइड देखते हैं. हमने क्या नहीं किया वो नहीं देखते, बल्कि जो हमने करा है उसको तो भगवान देखेंगे. बट डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति अपने आप को एक्सटेंड करके जो वो नहीं भी चाहते हो अगर वो भी करने लगता है, देन ही विल बी मोर, ही विल बी प्लीजिंग द लॉर्ड इवन मोर. पाप आपकी बात नहीं है, बट थिंग इज दैट कृष्णा विल बी द पॉजिटिव साइड, एंड फिर जो भी आपने अच्छा काम किया तो उसके लिए तो आपको फल मिलेगा. नेक्स्ट. थैंक यू मोनिका माता जी फॉर योर क्वेश्चन. नेक्स्ट सुशील प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं. सर ये कह रहा था कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम निष्काम रहें, हम क्रोध ना करें, किसी से पे गुस्सा ना करें, पर दूसरे का क्या करें? जैसे हम एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मैनेजर का भी गुस्सा करता है, तो हम अपने आप को कब तक कंट्रोल करें? मतलब सामने वाला अपनी जो इच्छाएं प्रकट कर रहा है, पर हम अपने अंदर कब तक शांति रखेंगे? सामने वाला गुस्सा कर रहा है, अनायास बातें कह रहा है, तो ये नॉर्मल लाइफ में भी होता है, तो उस पर फिर कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, जिस प्रकार से अपने धर्म करने के लिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को भी तो प्रोत्साहित कर रहे हैं ना. देखिए, अर्जुन को चुप रहने के लिए भगवान ने नहीं कहा, बल्कि युद्ध करने के लिए कहा और फिर मारने के लिए भी कहा है. बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ अपने मैनेजर से युद्ध करो करके. बट इसका मतलब ये है कि हम अपने धर्म के अनुसार जो भी हमें करनी होती है हमें करनी चाहिए. बिकॉज अर्जुन यहाँ पर क्षत्रिय है, इसलिए उनके धर्म बनता है युद्ध करना. बट वही अगर कोई ब्राह्मण उस स्थिति में है तो उनको कहा जाएगी तुम्हें सहनना चाहिए, तुम्हें सहनना चाहिए. बिकॉज एक अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते उनकी धर्म है इस प्रकार से युद्ध करके अधर्म को हरा कर फिर धर्म की स्थापना करना. एंड इस केस में जैसा बात यह है कि वी गेट डिस्टर्ब्ड, हमें अपने आप को इंसुलेट करने का प्रयास करनी चाहिए. जब हम अपने आप को इंसुलेट करने के लिए, ये तभी संभव है एज लॉन्ग एज वी हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, वी गेट डिस्टर्ब. बिकॉज हमारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस सारा कुछ बाहर की दुनिया में है. बट ये बात समझ लेना कि जब तक बाहर की दुनिया को आप अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मानेंगे, देन बाहर की सिचुएशंस तो हमेशा चेंज होता रहेंगे. कभी कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, कभी गाली देगा, कभी कुछ, कभी कुछ, इस प्रकार से वो चीजें तो चेंज होते रहेंगे. तो इसलिए आप बारंबार कभी खुश हो जाएंगे, कभी दुखी हो जाएंगे, कभी खुश हो जाएंगे, कभी दुखी हो जाएंगे, ये सारे तो चलता रहेगी. बिकॉज गलती हमारी है ना, आप अपना ऑफिसर को ही नहीं कह सकते, गलती आपकी है. बिकॉज आपने अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बाहर की दुनिया को बनाकर रखा है. इसलिए हमारा सोर्स ऑफ, एक्चुअल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है वो भगवान है. उनके साथ आप अपना कनेक्शन बनाइए, वो आपके कनेक्शन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जब बने रहेंगे उसमें कभी ऊपर नीचे तो नहीं होने वाला. देन इसलिए आपके सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस में, कंटेंट में कभी वो बाधा नहीं आएगी. एंड आप सेटिस्फाइड है, देन आप डिस्टर्ब नहीं होंगे इस परिस्थितियां जब आएंगी, देन आप एक इक्विपोयस स्टेट में आप उसको आप बहुत ही एक मैच्योरिटी लेवल के साथ आप डील कर पाएंगे. डेफिनेटली अगर इसका मतलब कोई गलती कर रहे हैं तो हम बिल्कुल सहनते सहनते बैठ रहे हैं, नहीं. जो भी धर्म के अनुसार, मान लीजिए किसी के विषय में हमें कंप्लेंट भी करना है, हम पुलिस को भी कंप्लेंट करना है, हम कंप्लेंट करेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? यस, धर्म के अनुसार जो हमें करनी है हमें करेंगे. बट हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो मेंटल एंग्जाइटी, वो मेंटल डिस्टर्बेंस जो होता है ना, वो सारा नहीं रहेगा, वो सारा नहीं रहेगा. ये बात है.
थैंक यू प्रभु जी फॉर दैट क्वेश्चन. सो हम अपना जो हैप्पीनेस का कंट्रोल है वो एक्सटर्नल लोगों को ना दें, रादर देन वी कनेक्टेड विद द सुप्रीम लॉर्ड. थैंक यू वेरी मच. सो नेक्स्ट आकांक्षा माता जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. हेलो. हरे कृष्णा. मेरा सवाल भी सुशील जी से थोड़ा रिलेटेड है कि अगर सामने वाला आपके साथ गलत करता है एंड वो आपने उस पर कभी किसी टाइम पे विश्वास किया, अब वो आपके साथ गलत करता है, वो अपना लेवल डाउन करके करता है और हम नहीं चाहते कि उतना गिरे, लेकिन वो सामने वाला मजबूर कर रहा है. बट जैसे कृष्णा ने अर्जुन को बोला था, वो शस्त्री थे, वो सामने से युद्ध कर रहे थे कौरवों से. लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं आज की तारीख में जो बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी गलत चीजें करते हैं आपके लिए, उनके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर सकते, किसी का बर्दाश्त करना भी सही नहीं है बट उनके लेवल पे जाना भी सही नहीं है. तो व्हाट शुड वी डू? आई थिंक ये सबके साथ शायद किसी ना किसी ने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा. सो या थैंक यू. इसके विषय में वही हम बता रहे थे कि देखिए इसमें सहनने का भी ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल बैठे रहेंगे. जैसा कि एक बार नारद मुनि ने एक छोटा सा स्टोरी है, सिंपल सा. नारद मुनि ने एक सांप को भक्ति करने के लिए कहा था, वो सांप भक्ति करने लगी. एंड फिर उस सांप को उपदेश दिया, तुम्हें नम्र रहना चाहिए, वैसा है वैसा करके सारे उपदेश दिए थे. फिर वो सब नम्र रहने लगी. फिर अगली बार जब नारद मुनि वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि सारे बच्चे बच्चे जो है उन्हें पत्थर मार रहे थे. देन बेचारे वो सांप, जो सांप से खून वून निकल रहा था. देन नारद मुनि ने पूछा कि अरे तुम इतना इतना मार क्यों खा रहे हो तुम? देन फिर उस सांप ने कहा कि महाराज जी, तुम ही तो मुझे नम्र रहने के लिए कहा है. देन फिर नारद मुनि कहा, देखो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें काटने से मना किया, डसने से नहीं. काटने से मना किया, डसने से नहीं, क्योंकि तुम डसोगे नहीं देन फिर सारा दुनिया तो हमला कर कर मार कर पिटाई करके मार देगी तुम्हें. तो हम अपनी रक्षा भी तो करनी होगी, सेल्फ डिफेंस भी तो करनी होगी. तो सेल्फ डिफेंस तो करना होगा. बट जिस प्रकार से हम अधर्म के रास्ते पे आकर नहीं, ऐसा नहीं कि उनकी स्तर पे गिर के हम करने लगे. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आपके साथ कभी भी नो इनोसेंट पर्सन कैन बी पनिश्ड इन दिस वर्ल्ड. अगर हमें किसी भी प्रकार की दुख या धोखा को हमें झेलना पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे ही कर्म कुछ ड्यू है जो हमें डिलीवर हो रही है, हमें डिलीवर हो रहे हैं. तो इसलिए आप बिल्कुल द्वेष की भावना रख के उनके साथ आप रिटेलिएट करने का प्रयास करेंगे तो खुद गड्ढे में गिर जाएंगे. बिकॉज देखिए ना, इट इज ए साइकिल, कार्मिक रिएक्शन साइकिल है. आपने पहले कुछ गलत काम किया जिसके लिए अभी रिएक्शन तुम्हें मिल रहे हैं, एंड उस रिएक्शन को स्वीकार करके आप सहन लेंगे, देन आप वो रिएक्शन साइकिल को आपने वहां पर काट दिया. अगर उस समय उस रिएक्शन मिलते वक्त आप रिटेलिएट करने का प्रयास करेंगे, यू आर क्रिएटिंग ए न्यू एक्शन अगेन, जिसके लिए आपको दोबारा क्वायर कार्मिक रिएक्शन मिल जाएगी. तो वो कार्मिक साइकिल कट ही नहीं हो रहा कभी. इस बात को समझते हुए व्यक्ति बुद्धिमानी के साथ, he should understand that it is my own problem which is coming back to me. मैंने गलत किया इसलिए मेरे साथ गलत हो रहा है. He is a postman. जो व्यक्ति मेरे साथ इस प्रकार से गलत कर रहे है, वो मेरे कर्म को मेरे तक पहुंचाने के लिए वो पोस्टमैन है बस. वो पोस्टमैन मेरे को अपना जो भी डिलीवरी है वो कर रहे हैं. तो इस प्रकार से मानते हुए हमें ग्रज नहीं रखनी चाहिए, बट डेफिनेटली जिस प्रकार का एथिकल तरीके से जो भी एक्शन लेनी चाहिए वो ले सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट ग्रजिंग वाला मूड नहीं रखनी चाहिए. ग्रजिंग वाला मूड रखेंगे देन यू टेक टू सम इलीगल या गलत प्रकार की स्तर पे आकर आप काम करने लग जाएंगे, बिकॉज द्वेष के साथ आप काम कर रहे हो, तो बुद्धि काम नहीं करेगी उसमें. बट डेफिनेटली अपना सेल्फ डिफेंस तो आप कर ही सकते हो.
ओके सो थैंक यू आकांक्षा माता जी फॉर दैट क्वेश्चन. नेक्स्ट वी विल मूव टू रिया माता जी. आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछिए. राधे राधे प्रभु जी. राधे राधे. यस माता जी. मेरा प्रश्न डे वन के क्विज से, जो डे वन का क्विज हुआ था ना, तो उसमें से ही है क्वेश्चन. उसमें क्वेश्चन था, अशिक्षित ब्राह्मण के उदाहरण से आप क्या सीखते हैं. उसमें जो ऑप्शन था, नम्रता ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है. दूसरा ऑप्शन, गीता को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है. तीसरा, दोनों. और चौथा, इनमें से कोई नहीं. मैंने इनमें से कोई नहीं सेलेक्ट किया था और इसका करेक्ट आंसर था नम्रता ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है. कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आया ये. ये प्रश्न क्या था, प्रश्न एक बार पढ़ेंगे पुनः. अशिक्षित ब्राह्मण के उदाहरण से आप क्या सीखते हैं. तो इसका उत्तर था नम्रता ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है. ऐसा कैसे है, मतलब मैंने इनमें से कोई नहीं सेलेक्ट किया था जो कि गलत चला गया मेरा. अच्छा, यहाँ यही वाला है. बट इन जनरल हम बताएंगे वो एग्जाम्पल, बिकॉज पहले वाला प्रोविजन जो दिया है उसका जो एक अंडरस्टैंड में बता देता हूँ. नम्रता ज्ञान से महत्वपूर्ण. विद्या ददाति विनयम कहा जाता है. एक असलियत में जो विद्वान व्यक्ति वो विनय होता है, he'll be humble. तो इट इज अ स्टेज नेक्स्ट टू नॉलेज. इफ अ पर्सन इज हम्बल, इसका मतलब वो उनके अंदर ज्ञान है. बट वही जेन्युइनली हम्बल है, नाटक वाला नहीं. अगर जो जेन्युइनली हम्बल है देन फिर उनके अंदर नॉलेज है. तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, ठीक है ना जी. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, वैसे यही है करेक्ट. मतलब ये तो एज अ फ्रेज करेक्ट है, बट वो एग्जांपल मुझे भी पता नहीं, बिकॉज कल का जो लग रहा था, क्योंकि अशिक्षित ब्राह्मण के उदाहरण पूछ रहे हैं ना, तो इनमें से तो कोई नहीं आना चाहिए. माता जी, we will look into that question once again and ठीक है, उसका explanation भी share कर देंगे, ठीक है. Thank you very much for pointing that out. Next, अर्चना भाती माता जी, आप अपने आप को unmute कर सकते हैं. And maybe we will take two questions more. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी, क्या बात है? Yes, yes. मेरा प्रश्न है कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि आत्मा होती है शरीर में, तो जब आत्मा मतलब शरीर डेड हो जाता है और आत्मा निकल जाती है, तो मोस्टली क्या 100% लोग आत्मा से डरते हैं, भय खाते हैं, ऐसा क्यों होता है, जबकि जानते सब कोई है ये सच्चाई को, तो ये आत्मा से भय क्यों लगता है? ये अज्ञानता के कारण. ज्ञानी भी होते हैं मुझे लगता है, जो जिनको हम समझते हैं कि ये ज्ञानी है, वो भी मतलब इस चीज से भय खाते हैं, ऐसा मुझे लगता है. देखिए, जो जैसा कि आत्माएं भी, जो कि जिन्हें शरीर मिलने के अधिकार नहीं होता है, वो प्रेतात्मा बन जाता है. प्रेतात्मा मतलब वो व्यक्ति, वो आत्मा है जिन्होंने इतना बुरा कर्म किया जिसके लिए उन्हें कोई कोई पशु का भी शरीर भी नहीं दिया जा सकता है, इसलिए उन्हें शरीर ही नहीं देते हैं, इसलिए उनको खुला खुला ही घूमना पड़ता है. तो वैसा व्यक्ति प्रेतात्मा हो जाता है. हो सकता है वैसा तो है, जैसे जनरली हम लोग के तरह से लोग सोचते हैं कि जैसे हमारे घर में बहुत प्रिय है, जब शरीर धारी होता है तो हम उसको बहुत प्रिय करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन अगर उसके ही जाने के बाद अगर कभी ऐसा रियलाइज हो आत्मा है, तो हम उससे भी भय खाते हैं. मतलब ये चीज मुझे लगता है कि ऐसा क्यों होता है, जिसको हम इतना प्रेम करते हैं फिर उससे ही भय खाते हैं, जबकि ये जानते हुए कि उसका ही आत्मा है और प्योर है, हम फिर भी भय खाते हैं. इसका मुझे जानना है. यही मूर्खता है, बिकॉज लोगों के पास इंफॉर्मेशन है बट ज्ञान नहीं है. इंफॉर्मेशन अलग है, ज्ञान अलग है. इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन है बट ज्ञान नहीं है. ये इन्फॉर्मेशन ज्ञान के रूप में तभी परिवर्तित होगा जब प्रैक्टिस होगा. अनलेस एंड अंटिल व्यक्ति आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस नहीं करेगा, इट विल सिंपली रिमेन एज इन्फॉर्मेशन. ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास है, इनको नहीं पता है कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है करके. सभी लोगों को पता है,
बट कोई उसके स्तर उस स्तर पे काम ही नहीं कर पाता है। क्यों काम नहीं करता है? उनके जीवन में, उनकी प्रैक्टिस में, उनकी जीवन में, उनकी लाइफ में कैसे ये क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता ये अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज उन्होंने कभी आध्यात्मिकता प्रैक्टिस ही नहीं किया। इसलिए अगर हम आध्यात्मिकता भक्तियों की अभ्यास करें देन फिर ये ज्ञान जो है दैट विल इंटरनलाइज वो इंटरनलाइज होगी, देन फिर हमारे एक्शंस में, हमारे विचारों में हर जगह वो दिखने लगेगा। तब तक तो वो केवल एक इंफॉर्मेशन है, हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है हम शरीर नेम आत्मा है, तो वे केवल के टेक्स्ट बुक वाली बात है, बट जब आत्मा साथ में आती है डर कर भाग दे। धन्यवाद। थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। सो विथ प्रैक्टिस ऑफ भक्ति चीजें इंटरनलाइज होंगी और ज्यादा रियलाइजेशन होंगी, राइट? सो नेक्स्ट डॉक्टर रश्मि, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और माता जी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये पूछने की ऑन व्हाट बेसिस वन इज चूजन टू गेट कृष्ण भक्ति सीड। ऑन व्हाट बेसिस वन इज चूज, मतलब किन को कृष्ण भक्ति का बीज मिलता है करके पूछा जा रहे हैं। हाँ, और अगर ये सीड सबके अंदर है तो सब इस बात पे क्यों नहीं चल पाते? वैसा कृष्ण भक्ति सभी में है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाई, ये सभी लोगों के अंदर ये डॉर्मेंट स्टेट में है, बस इसे पुनः जगाना होता है, पुनः जगाना रादर मतलब कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो डॉर्मेंट स्टेट में उसको वापस जगाना होता है। एंड ये फिर कौन जगह मतलब किन को ये बीज मिलता है करके बात यह है कि ये कोई मटेरियल कैलकुलेशन के आधार पर नहीं मिलता, इट इज सिंपली द मर्सी ऑफ ए डिवोटी, भक्तों का ही कृपा के कारण किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। एंड तो उस प्रकार से जो माधुर का मतलब एक पुस्तक जो उसके अंतर्गत बताया जाता है, वैसे भक्ति का तीन मूल कारण होता है, शास्त्रों से, भगवान से या भक्तों से, ये तीन मूल कारण होता है किसी को भक्ति मिलने के लिए। शास्त्रों से भक्ति मिलने वाला बहुत कम होते हैं, भगवान सीधा भक्ति देने वाले भी बहुत कम होते हैं। मोस्टली सभी जितने भी भक्तों को भी आप देखेंगे, मोस्टली किसी न किसी हर भक्त के जीवन में कोई ना कोई और भक्त है जिनकी वजह से उनको भक्ति मिला हुआ है, भक्ति मिला हुआ है। तो ये भक्ति अपना डिस्क्रिमिनेशन के कारण देखता है कि किनको देना है किनको नहीं देना है। एंड जब कई लोगों को भक्ति देने के बाद भी वो रिसेप्टिव नहीं होता, रिसेप्टिव नहीं होता है बिकॉज उनके पास पर्याप्त अज्ञात सुकृति नहीं होने के कारण वो रिसेप्टिव नहीं होता है। ट्रांसमीटर तो ट्रांसमिट कर रहे हैं बट रिसीविंग एंटीना खराब है तो इसलिए वो रिसीव नहीं कर पाता है। इसलिए कई बार भक्त अनेक लोगों को, जैसे उदाहरण के लिए हमारे सेशन में भी क्यों ना हो, 250 लोगों को रजिस्टर किया हुआ है, इतने लोगों को भक्ति देने का भक्तों ने प्रयास किया और कल 150 लोग आए थे एंड 100 लोग आए थे, कई लोगों को रिसीवर एंटीना खराब हो गया, वो रिपेयर करने गए थे तो फिर इसलिए आज आए नहीं। इसमें पास्ट कर्म का भी कोई रोल होता है प्रभु जी? कार्मिक रिएक्शंस के ऊपर तो बिल्कुल आधारित नहीं है ये अज्ञात सुकृति होता है। अज्ञात सुकृति मतलब दोज एक्शंस व्हिच आर डन अननोइंगली बट दे आर कनेक्टेड टू डिवोशन, जो भक्ति के संबंधित कार्य है बट उन कार्यों को अननोइंगली उन्होंने कर दिया, अननोइंगली किसी भक्त को मदद कर दिया, अननोइंगली किसी मंदिर को भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए उन्होंने कुछ दान दे दिया, तो ये अज्ञात सुकृति मान जाता है। देन ये अज्ञात सुकृति जब पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा होता है देन ही विल बी एबल टू रिसीव, बट ट्रांसमिशन तो भक्ति करेगा। देन भक्त अपॉर्चुनिटी देगा वो ले पाएगा, बट जिनके पास अज्ञात सुकृति नहीं है देन फिर ही रिजेक्टेड। तो इस प्रकार थैंक यू। ओके हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। लास्ट क्वेश्चन वी विल ट्राई टू टेक पुलकित मिश्रा प्रभु का, क्योंकि आई थिंक काफी लोगों ने हैंड रेज अभी किया है बट थोड़ा सा समय के अभाव के कारण
हम लोग एक से दो क्वेश्चन मैक्स ले पाएंगे. एंड देन नेक्स्ट अगर आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज आप उसको जो क्विज फॉर्म है उसमें प्लीज फिल इन कीजिए, ठीक है, सो दैट उसके लिए हम लोग एक सेपरेट सेशन बनाए और नेक्स्ट डे भी आप पूछ सकते हैं. सो नेक्स्ट पुलकित मिश्रा प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज पूछिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सब कुछ प्री डिफाइंड है तो फिर गुड कर्मा और बैड कर्मा के रिजल्ट्स हमें फिर क्यों मिलते हैं? मतलब अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है तो फिर ऐसा फल हमें क्यों मतलब भगवान देते हैं? वेरी गुड, थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन. सबसे पहला, एवरीथिंग इज नॉट प्री डिफाइंड. केवल हमें रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस जो हमें क्या मिलना है वो प्री डिफाइंड होता है. बट जैसे उदाहरण के लिए तुम्हें 1,00,000 रुपए मिलना वो प्री डिफाइंड है बिकॉज तुम्हारी कर्म के अनुसार तुम्हें 1,00,000 रुपए मिलना था. बट वो 1,00,000 रुपए आप लीगली अच्छा नौकरी करके कमा सकते हो, नहीं तो कहीं लूट कर भी कमा सकते हो, कहीं कुछ और प्रकार से भी. वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस. वो ये नहीं कह सकते प्रभु जी मुझे अपने कर्मों के अनुसार जो है मुझे चोरी करना पड़ा. ये फूलिशनेस है. एक तो ये है. एंड दूसरा, वो 1,00,000 रुपए मिलने के बाद उसकी प्रयोग कैसे करेंगे वो भी चॉइस तुम्हारे पास ही है. वो 1,00,000 रुपए लेके हम बार में जा सकते, दारू पी सकते हैं, नहीं तो वो 1,00,000 रुपए हम कुछ और अच्छा कार्य कर सकते हैं. वो चॉइस हमारे पास है. ये नहीं कह सकते मुझे अपने कर्मों के अनुसार मुझे करना पड़ा. नहीं, अगर यही होता देन मर्डर करके कोई कह देगा कि देखो मैं थोड़ी किया, ये तो मेरे से कराई गई है, प्री डिफाइंड है, तो मैंने कर दिया, जिसने कराया उन्हें पकड़ो. ये नहीं होता है ना. रादर ये प्री डिफाइंड नहीं है, ये उनकी चॉइस है, उन्होंने इस प्रकार से करा. ऑल्दो जो मर रहा है उनका प्रीडेस्टिनेड है कि मरना, उनका प्रीडेस्टिनेड है मरना. बट जिसने मारा है फिर वो एक्शन वो खुद उनकी चॉइस है. इसलिए रिजल्ट्स ऑफ द एक्शंस आर प्रीडिफाइंड बट नॉट द एक्शंस इन देमसेल्व्स एंड नॉट द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स. ये दोनों आपकी चॉइस रहेगी. एंड जिस प्रकार से आप अपना रिजल्ट्स को उपयोग कर रहे हो उससे आपकी अगला कार्मिक रिएक्शंस बन रहे हैं. जिस प्रकार की एक्टिविटीज एक्शंस जो आप कर रहे हैं, एक्शंस सारे हमारे हाथ में. एक्शंस आप ये नहीं कह सकते मे प्री डिफाइंड है. एक्शंस नहीं, एक्शन की जो रिजल्ट्स है. ठीक है, ठीक है. So thank you, Pulkit Prabhu, for asking this question. Great. So Brij Mohan Prabhu, maybe we will take your question next day. Thank you very much for raising the hand. थोड़ा सा we have exceeded the time limit. So उसको ध्यान में रखते हुए कल हम लोग आपका question लेंगे. So सभी भक्तों का thank you very much. And आपके साथ यहाँ पे एक quiz का जो link share किया जा रहा है उसको please fill कीजिए, ठीक है. And जितने भी स्कोर्स आपके आते हैं उसे रिकॉर्ड कीजिए, हम लोग फिर उस पर डिस्कशन करेंगे. एंड एक बार हम सभी लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोल के इस ग्रेस वेदांत चंद्र प्रभु जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाला और आज का ये सेशन लिया. और आप सभी भक्तों के लिए भी कि आप लोगों ने भी आपका अपना समय निकाला और आप इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है. तो एक बार सभी लोगों के लिए हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र साथ में पढ़ेंगे और इसको फिर सेशन को एंड करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो थैंक यू वेरी मच. आपके साथ जो क्विज लिंक्स हैं इवन आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी शेयर कर दिए जाएंगे. साथ ही साथ जो आज के सेशन का नोट्स है वो भी आपके ग्रुप्स में शेयर कर दिए जाएंगे, राइट. और सभी लोग अगर आपके कुछ क्वेरीज जो कि छूट जा रहे हैं या आपके दिमाग में है ये कुछ क्वेश्चंस आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर मतलब जो भी आपको ऐसा लगता है कि यू शुड आस्क, डेफिनेटली पुट दोज क्वेश्चंस इनटू द गूगल फॉर्म.
दैट वी विल सॉर्ट दोज क्वेश्चंस एंड वी विल मेक श्योर कि सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिले. ये हमारी एक मतलब वी विल ट्राई टू डू दैट. और जैसा कि लास्ट टाइम कल जो फीडबैक आया था कि काफी सारे हमारे जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं इस कोर्स में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जो क्वेश्चन है क्विज का वो दोनों लैंग्वेजेस में होना चाहिए, तो हमने उस चीज को डेफिनेटली टेक केयर किया है. आज के क्विज में आपको वो चीज मिली होगी. ठीक है, सो कुछ फीडबैक्स भी है रिगार्डिंग सेशन जहाँ कि हम इस चीज को और इम्प्रूव कर सकते हैं, यू कैन शेयर दैट एज वेल, राइट. सो आई विल एंड विद वन थॉट, एक थॉट के साथ जो प्रभु जी ने आज बोला था कि क्या समय के साथ हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं. अगर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं तो डेफिनेटली जो सॉल्यूशंस हम लोग आज तक अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं वो शायद हेल्प नहीं कर रहा है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट द राइट सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू लिव अ वेरी हैप्पी ब्लिसफुल एंड यू नो अ वेरी ब्लिसफुल लाइफ, राइट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. हरे कृष्णा. थैंक यू. और कल हम लोग फिर से मिलेंगे 7:30 PM. थैंक यू.